हे गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज की रेसिपी है झींगा रेसिपी, यानी बिहार में झींगा कैसे बनाते हैं और कैसे साफ करते हैं। बिहारियों को झींगा बहुत पसंद आता है, तो उसी को मैंने यहाँ पे उस रेसिपी को मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो चलिए जानते हैं कि बिहार में झींगा को कैसे साफ करते हैं और कैसे बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1/2 kg झींगा लिया है और इसके आगे जो आप देख रहे हो ना, इसकी सारी मूंछें जो दिख रही है ना, उसे यहाँ पे तोड़ना है। ये बिल्कुल हल्का तोड़ना है ताकि इसके जो बाकी के पार्ट है वो ना निकल क्या है। तो इसकी जो पूंछ होती है ना, जो नुकीली होती है, जो मुंह में जाके चुभती है, तो बस हमें उसे साफ करना है। यानी उसके आगे का जो मूंछ होती है और पीछे की पूंछ होती है ना, उसे हमें यहाँ पे तोड़ना है। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे सारे झींगे को तोड़ा है और तोड़ने के बाद इसे हमें साफ कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे झींगे को सारे तोड़ कर साफ कर लिया था और इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी नमक डाल के यहाँ मैंने साइड में रख लिया। फिर मैंने यहाँ पे लिया, मतलब 1/2 kg में मैंने लगभग 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली। फिर मैंने थोड़ी सी ये सरसों जो होता है ना, यानी पीली सरसों, यानी जिसको राई हम लोग बोलते हैं, उसे मैंने यहाँ पे डाला है। यानी काली वाली और पीली वाली मिक्स मैंने यहाँ पे राई डाला है। फिर मैंने यहाँ पे डाला है जीरा, काली मिर्च, के बाद साबुत धनिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है लाल मिर्च। आप अपने अकॉर्डिंग, मतलब तीखी जितना चाहते हो उतनी यहाँ पे लाल मिर्च डालेंगे। हाँ, यहाँ मैंने सरसों और पीली काली सरसों मिला के मैंने यहाँ लगभग एक चम्मच के लगभग मैंने यहाँ पे डाला था। और मैंने सारे को पानी डाल के पीस लिया और मैंने यहाँ पे जितने भी जो मसाले तैयार किए थे उसे यहाँ पे डालकर हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल के मैंने यहाँ पे इसे मिक्स कर लिया है। फिर मैंने यहाँ पे कढ़ाई को गर्म किया, सरसों तेल डाला और सरसों तेल को पूरी तरह से गर्म करना है जब तक इसमें से धुआं ना निकल जाए। उसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ी सी सरसों डालना है, यानी राई डालना है, और इसे फूटने देना है। जब ये फूटने लगेगा तब हमें यहाँ पे झींगा डालेंगे और झींगा को मिक्स करते हुए तेल के साथ इसे साइड में बिछाते हुए कर लेंगे, मतलब इसको साइड से बिछाना है। तो जब झींगा साइड से बिछ जाएगा तो इससे क्या होता है ना, क्रिस्पी और लाल होता है। तो इसी तरह से ना, झींगा को ज़्यादा चलाना नहीं है, बिल्कुल इसको बिछाते हुए लाल करना है। तो मेरा यहाँ पर झींगा क्या हुआ, फ्राई हो चुका है और आप देख सकते हो झींगा रेड रेड दिख रहा होगा, ब्राउन कलर का दिख रहा होगा। अब इसे हम साइड में कर लेंगे बिल्कुल, और साइड में करने के बाद इसमें थोड़ी सी सरसों तेल डालेंगे और जो मैंने मसाला तैयार किया था स्टार्टिंग में, मैंने थोड़ा सा ही मसाला उसमें मिक्स किया था झींगा में, बाकी थोड़ा सा मैंने रख लिया था। उसी मसाले को यहाँ पे डालकर साइड में, जैसे झींगा को मैंने किया है, उसमें मसाला डालकर मसालों को थोड़ी देर तक भूनेंगे तेल के साथ। जब आपको तेल दिखना स्टार्ट हो जाएगा मसाले में, तब हम क्या करेंगे, झींगे में मिक्स कर लेंगे और कुछ देर तक इसे हम पकाएंगे। तो थोड़ी देर मसाला और झींगा को एक साथ पकाने के बाद झींगा तैयार हो चुका था। तो आपको मैं ये नज़दीक से दिखाती हूँ कि झींगा कैसा हुआ है। तो आप देख सकते हो ये झींगा बहुत टेस्टी दिख रहा है और ये आप रोटी के साथ बहुत मज़े से खा सकते हो। ये रोटी के साथ बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको हमारा ये बिहारी झींगा रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।